Bismillahir Rahmanir Rahim. In this video, we talk about FSC Second Year Biology Chapter 15 Homeostasis. Aaj ka lecture number 6 Nature of Excretory Products in Relation to Habitats. Hamara topic hai Nature of Excretory Products in Relation to Habitats. सबसे पहले हम इस टॉपिक का मतलब समझेंगे. हैबिटेट कहते हैं अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, और वो प्लेस हमारे पास एक्वाटिक भी हो सकती है और टेरेस्ट्रियल भी. अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड होते हैं. और अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करेंगे, मींस नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होंगे. तो ये डिपेंड करता है अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे आपको प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं. हालांकि ऑर्गेनिजम्स की फूड में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स भी होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को हम यहाँ पे इसलिए भी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मेटाबोलाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. हमने यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को स्टडी करना है जो अमाइनो एसिड रिलीज कर, जिनमें अमाइनो ग्रुप को अपने रिमूव कर. तो प्रोटीन मेटाबोलाइज होके अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करती है, जिनमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है. और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जिनमें नाइट्रोजीनियस स्पेसिस होती हैं, इनमें से भी अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है. अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो फिश है जो कि एक्वाटिक एनिमल, ये अमोनिया प्रोड्यूस करती है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम अमोनोटैलिक कहते हैं, और इनका डायल्यूट यूरिन होता है, तो पानी की कमी का सामना नहीं होता. दे हैव मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. और अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल जिनमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को देखें, जिनमें हमारे पास एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सम बोनीफिशेस भी हो सकती है, दे प्रोड्यूस यूरिया. इनको पानी कौन सा ये मॉडरेट होता है, इनके पास एक्वाटिक की निस्बत कम होती है. दे लिव ऑन ड्राई लैंड, इसीलिए इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है और लेस टॉक्सिक यूरिया प्रोड्यूस कर. और अगर हम थर्ड एग्जाम्पल में देखें, बर्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई है, इसीलिए दे आर अडॉप्टेड टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड, जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल हैं बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स. इनको पानी की कमी का सामना होता है और ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. अभी इनको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. हम वन बाय वन इनको देखते हैं. अमोनिया जो कि वेरी टॉक्सिक है टू बी स्टोर्ड. अमोनिया मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं एंड डिसॉल्व क्विकली इन वाटर एंड इंक्रीज द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड. दस इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसेंट्रेशन इन द बॉडी. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बहुत टॉक्सिक है, वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और बॉडी फ्लूइड्स की पीएच को इंक्रीज कर देते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए इसकी कंसेंट्रेशन को लो रखना होगा. टू मेंटेन इट्स लो कंसेंट्रेशन बिलो दैट बॉडी रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मींस अमोनिया की कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. देखें अमोनिया सिक्रेटिंग जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे पानी की कमी का कोई मसला नहीं, इसलिए दे आर एबल टू एक्सक्रीट अमोनिया क्योंकि इनके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है. एंड ऑल्सो टू एलिमिनेट इट इन यूरिन एज इट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज पॉसिबल इन एन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. Therefore, ammonia kept as excretory product of the animals inhabiting hypertonic, for example, freshwater environment, means
अमोनिया जोन सा है जो फ्रेश वाटर है जिनमें हमारे पास रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स के अंदर जो फिशिंग रहती है वो मोस्टली अमोनिया सिक्रेट करती है और उस तरह के एनवायरमेंट को हम हाइपोटोनिक एनवायरमेंट कहते हैं जिसमें लेस सॉल्यूट्स होती है सॉल्ट्स कंसेंट्रेशन कम होती है। अब हम बात करें इसकी तो उसकी तो अबाउट 500 मिलीलीटर वाटर जरूरी है रिक्वायर्ड है टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रोजन मीन्स जो एमोनोटैलिक होंगे इनको 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन एक्सक्रीट करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर की जरूरत होती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है द एनिमल सिक्रीटिंग अमोनिया एज एक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एमोनोटैलिक। ये हमारे पास एमोनोटैलिक ये अमोनिया सिक्रीट करते हैं जिनमें मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस दे प्रोड्यूस अमोनिया। नेक्स्ट है कि अमोनिया प्रोड्यूस विद लिटिल एनर्जी ये एडवांटेज है इन ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस वेरी डाइल्यूट यूरिन और इनके अंदर जो अमोनिया है जो बहुत टॉक्सिक थी वो रिलीज हो जाती है एक्सक्रीट हो जाती है विद लिटिल एनर्जी। अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हमने समझा कि जो एक्वाटिक एनिमल हैं ये अमोनिया रिलीज करते हैं डाइल्यूट यूरिन होते हैं इनको 500 मिलीलीटर वाटर की रिक्वायर होता है 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है सेकेंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। द एनिमल्स लिविंग इन लो सप्लाई ऑफ वाटर सिक्रेट्स यूरिया। अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन लो सप्लाई ऑफ वाटर। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा अमोनिया जिसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हो लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो लो सप्लाई ऑफ वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते वो क्या करते हैं अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया के और इसको एक्सक्रीट करने के लिए कम वाटर की जरूरत पड़ सकती है। सो अमोनिया चेंज इंटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज यूरिया एंड यूरिया रिक्वायर्स ओनली 50 ml ऑफ वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल। आप डिफरेंस देख सकते हैं इसमें अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें 500 मिलीलीटर वाटर की जरूरत है लेकिन यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक है इसको एक्सक्रीट करने के लिए हमें जस्ट 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। एंड हियर एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन इज मेटाबोलिकली कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल मीन अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने में यूरिया साइकिल मेन रोल। इट अकर्स इन एनिमल्स विच लिव इन लो सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और शॉर्ट क्वेश्चन है द एनिमल्स सिक्रीटिंग यूरिया एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड यूरियाटेलिक मीन वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम यूरियाटेलिक कहें। ये एग्जाम्पल है हमारे पास मैमल्स हैं इनके अलावा एम्फीबियंस भी हो सकते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं इन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। इसमें आपको दिखाया गया एम्फीबियंस के अंदर हमारे पास फ्रॉग्स हो सकते हैं और मैमल्स में काओ शीप गोट्स वगैरह और आर प्रोड्यूस और एक्सक्रीट यूरिया बिकॉज दे लिव इन लो सप्लाई ऑफ वाटर। जी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम स्टडी करेंगे यूरिक एसिड। द एनिमल्स लिविंग इन एनवायरमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई प्रोड्यूस यूरिक एसिड। वो ऑर्गेनिज्म जो इंतहाई कम वाटर अवेलेबिलिटी के एनवायरमेंट में रहते हैं जहां हमेशा हमको पानी की कमी का सामना रहता है दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए हमें बहुत कम वाटर की जरूरत पड़ती है। यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। एमसीक्यू है कि ओनली 1 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड।
अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, अमोनिया के अंदर हमें 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड, यूरिया में हमें 50 ml वाटर रिक्वायर्ड, लेकिन यूरिक एसिड के अंदर ओनली 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर है 1 ग्राम नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. देयरफॉर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दैट इनहेबिट एरिड एनवायरनमेंट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ये रेप्टाइल्स जिनमें हमारे पास फ्लोट्स होते हैं और बर्ड्स, ये बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. शॉर्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक. वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे उन्हें यूरिकोटैलिक कहेंगे. एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक. यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक आर एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन देयर हैबिटेट्स. एनिमल्स हैव अडॉप्टेड नॉट ओनली द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो द वेरियस एडॉप्टेशंस हैव बीन ऑब्टेन्ड टू प्रोवाइड डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. मतलब क्या है इस बात का? वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया सिक्रीट करते हैं और यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, इन्होंने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अंदर अडॉप्टेशंस की, तब्दीलियां की, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां वाटर शॉर्टेज, तो ये अमोनिया तो सिक्रीट नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया के लिए हमें मैक्सिमम वाटर चाहिए जो इनके पास नहीं है. तो इनके अंदर ये अडॉप्टेशन हुई है कि ये अमोनिया की बजाय अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, जिसमें हमें 50 ml वाटर चाहिए जो ये इजीली एक्सक्रीट कर लेते हैं, और जो यूरिक एसिड है ये अपने एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, जिसके लिए 1 ml वाटर रिक्वायर हो. इसके अलावा कहता है कि ना सिर्फ इन्होंने अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में एडॉप्टेशन की है, बल्कि इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी एवोल्यूशन आ गई. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, हम भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बिकॉज वी लिव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और हमारे अंदर किडनीज है. इसी तरह अगर हम बात करें जो लोअर एनिमल्स हैं, उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया होते हैं. हमारे अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते. तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं. और अब इस स्लाइड के आखिर में आप ये एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमारे पास बर्ड्स, मेनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, दे ऑल आर प्रोड्यूस यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए इन्हें जस्ट 1 ml वाटर रिक्वायर है टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स, जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म थे, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ.